अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें ये शो करना है बाय डेफिनेशन कि इस फंक्शन की ये लिमिट आनी चाहिए जब जेड अप्रोच करता है इसको। मतलब कि हमें क्या दिखाना है कि फॉर गिवन एब्सनल ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस माइनस दिस इन दोनों के डिफरेंस की मोड वैल्यू एब्सनल से कम होनी चाहिए जब जब x और 2 का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो और y और 3 का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो। ये कहां से आए, z अप्रोच कर रहा था इसको, z की वैल्यू थी x प्लस ए ओटा वाई, इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 को, y अप्रोच कर रहा है 3 को। इट मीन्स जब जब x और 2 का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो और y और 3 का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो तब तब इस फंक्शन का और इस फंक्शन के डिस्टेंस की मोड वैल्यू एब्सनल से कम आनी चाहिए, हमें ये शो करके दिखाना है। बाय डेफिनेशन का मतलब फॉर एप्सनल ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एप्सनल ग्रेटर देन जीरो हम लेके चलेंगे, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा कितना लेना है वो हमें बताना है, सच दैट दिस माइनस दिस इसके डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस की मोड वैल्यू एप्सनल से कम होनी चाहिए जब भी एक्स और टू का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो और वाई और थ्री का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो। इसलिए हमने सोल्यूशन में क्या लिया, सबसे पहले लेट एप्सनल ग्रेटर देन जीरो, फिर हम इन दोनों का डिस्टेंस कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है कंसीडर दिस माइनस दिस। सो इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें हमारा ये बना रियल पार्ट एक्स माइनस टू, ठीक है, और अयोटा के साथ यहां पर 11 अयोटा है, इसके हमने टुकड़े कर दिए 2 अयोटा और 9 अयोटा। एक्स के साथ हमने 2 अयोटा वाला पोर्शन रखा और वाई स्केयर के साथ 9 वाला पोर्शन रखा। ठीक है, 11 अयोटा के टुकड़े कर दिए 2 अयोटा प्लस 9 अयोटा, और उसके हिसाब से एक्स के साथ हमने माइनस टू शिफ्ट कर दिया और वाई स्केयर के साथ माइनस 9। ठीक है, फिर मोड सबका अलग अलग हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो दैट इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ दिस, मोड ऑफ दिस एंड मोड ऑफ दिस। फिर ये तो सेम टर्म हो गई। ठीक है, अयोटा का मोड 1 होता है, तो ये हो गया 2 टाइम्स मोड ऑफ एक्स माइनस टू, और ये इनका मोड अलग अलग हो गया। ठीक है, अब हमने डेल्टा कितना लिया, मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सनल बाय 14। तो अंडरस्टूड है, क्योंकि डेल्टा इन दोनों का मिनिमम है तो डेल्टा विल बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड डेल्टा विल बी लेस देन इक्वल टू एप्सनल बाय 14। नाउ अब हम मान रहे हैं कि मान लो अगर इफ मोड ऑफ y माइनस थ्री लेस देन डेल्टा, यही लेना था हमें। ठीक है, मोड ऑफ y माइनस थ्री डेल्टा से कम है, डेल्टा फर्दर लेस देन 1 है, तो मोड ऑफ y माइनस थ्री भी लेस देन 1 हो गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ y माइनस थ्री इज लेस देन 1, तो मोड ऑफ y प्लस थ्री के लिए क्या होगा, प्लस के 3 को लिखेंगे, माइनस का 3 प्लस 6, इन दोनों का मोड अलग अलग कर दिया, साइन आ गया लेस देन इक्वल टू का, ये किससे लेस था 1 से, और ये हो गया 6, तो दिस इज लेस देन 1 प्लस 6 मीन्स 7। तो अगर ये चीज डेल्टा से कम हो तो मोड ऑफ y प्लस थ्री किससे कम है, 7 से, और साथ में अगर मोड ऑफ y माइनस थ्री डेल्टा से कम है, डेल्टा फर्दर लेस देन इक्वल टू था एप्सनल बाय 14। ठीक है, तो मोड ऑफ y माइनस थ्री भी लेस हो जाएगा एप्सनल बाय 14 से, तो मोड ऑफ y प्लस थ्री लेस है 7 और मोड ऑफ y माइनस थ्री लेस है एप्सनल बाय 14 से, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है इसकी और इसकी वो किससे कम हो जाएगी, 7 इंटू एप्सनल बाय 14 से। ठीक है, मोड ऑफ y प्लस थ्री लेस है 7 से, मोड ऑफ y माइनस थ्री लेस है एप्सनल बाय 14 से, तो इसकी और इसकी जो प्रोडक्ट है वो लेस हो जाएगी एप्सनल बाय 14 इंटू 7 मतलब कि एप्सनल बाय 2 से। ठीक है, ये वाली चीज का तो हमने निकाल दिया। ठीक, अब इसको देखना है। नाउ अगर मोड ऑफ x माइनस टू लेस हो डेल्टा से और डेल्टा फर्दर किससे लेस था, एप्सनल बाय 14 से। ठीक है, तो मोड ऑफ x माइनस टू भी किससे लेस हो गया, एप्सनल बाय 14 से। नाउ 14 ग्रेटर है 4 से, तो 1 बाय 14 लेस देन होगा 1 बाय 4 से, दोनों साइड एप्सनल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये छोटा है इससे, ये फर्दर लेस है इससे, तो ये लेस हो जाएगा इससे। ठीक है, अब हम देखो इसकी वैल्यू जो है और जो इसकी वैल्यू आई थी प्रोडक्ट वाले की, इसकी इन दोनों की वैल्यू को हम यहां पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, इसका मोड इज लेस देन 2। ऐसे कैसा, ये किससे लेस था, एप्सनल बाय 4 से। ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट किससे लेस थी, एप्सनल बाय 2 से। तो ये सारों की पुट कर दी हमने वैल्यू, ये आ गया 2 इंटू एप्सनल बाय 4 प्लस एप्सनल बाय 2, टोटल मिला के कितना आ गया एप्सनल, इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस किससे कम आ रहा है, एप्सनल से। कब, अगर
एक्स माइनस टू का डिस्टेंस डेल्टा से कम है और वाई माइनस थ्री का डिस्टेंस भी डेल्टा से कम है। और जो डेल्टा हमने लिया वो क्या लिया था, मिनिमम ऑफ वन एंड एप्सिलॉन बाई 14। तो अगर हम ये डेल्टा लेते हैं तो इसके लिए ये पूरी लाइन हमारी फुलफिल हो जाती है। सो हमने बाय डेफिनेशन ये शो कर दिया कि जब जब जेड अप्रोच करेगा 2 प्लस 3 आयोटा को, तो ये फंक्शन अप्रोच करेगा 2 प्लस 11 आयोटा को।